भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सोलन में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर पुराने डीसी ऑफिस तक गई। रैली में 120 स्वयंसेवकों ने 30 बूथ लेवल अधिकारियों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। रैली में रिटर्निंग ऑफिसर एसटीएम एकता काप्टा, स्वयंसेवकों व बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा सोलन की जनता को मत प्रयोग करने के बारे में जानकारी प्रदान की गई। रैली में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने बताया कि रैली के माध्यम से सोलन की जनता को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने बताया कि वोट डालने से जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा और एक अच्छा प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अच्छा विकास करवा सकता है और लोगों की समस्याओं को आगे पहुँचा सकता है। आज की रैली का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को अवेयर करना कि वो घर से 9 नवंबर को निकले और अपना वोट डालें। और हमने लोगों को ये कह के अवेयर किया कि जो वोट डालते हैं उनको आस पड़ोस का पता होता है कि कौन वोट कास्ट नहीं करता। तो हमने सबसे आग्रह किया कि जो वोट डालने आए वो अपने आस पड़ोस से 4-5 आदमी को अपने साथ लेकर निकले ताकि हमारे सोलन अर्बन का 100% वोटिंग हो सके। ये जो आज हमने रैली निकाली है ये लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली है कि वो अपना 100% मतदान करे और एक अच्छी सरकार बनाए। ये रैली निकालने के लिए हमारा मतलब है कि लोग अधिक से अधिक वोट डालें जिसके कारण एक अच्छी सरकार बनेगी और लोगों की भलाई के लिए ही काम आएगी।